नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूँ आपके साथ अंकिता मिश्रा। गाने फिल्मों में मनोरंजन के लिए बनाए जाते हैं। फिल्मों में किसी में एक गाने, किसी में दो गाने, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 गाने होते हैं। लेकिन क्या आपने सुना है कोई एक ऐसी फिल्म जिसमें 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि पूरे 71 गाने हों? एक ऐसी फिल्म जिसमें 71 गाने अलग अलग समय पर गाए गए हों? एक ऐसी फिल्म जिसके बारे में जब कंपटीशन एग्जाम्स दिए जाते हैं तब भी जिक्र किया जाता है? एक ऐसी फिल्म जिसका रिकॉर्ड आज तक किसी ने भी नहीं तोड़ा? एक ऐसी फिल्म जिसके रिलीज होने के दशकों बाद भी उसे याद किया जाता है उसके गानों की वजह से? वो कौन सी ऐसी फिल्म है जिसमें 71 गाने बैक टू बैक हैं और वो गाने इतने पसंद किए गए थे उस दौर में जब ये फिल्म आई थी कि गानों का जो क्रेज़ था वो लोगों में शुरू हो चुका था? हालांकि आज की फिल्मों की बात करें तो इतने गाने नहीं होते हैं, 5 से 6 गाने, और ज़्यादातर आज के दौर में गानों के रीमेक्स बन रहे हैं। लेकिन अगर उस दौर की बात करें तो ये साल था 1932 में रिलीज हुई फिल्म इंद्रसभा। इंद्रसभा में 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 71 गाने थे। देखिए ये रिपोर्ट जिसमें इंद्रसभा के गानों की विस्तृत जानकारी है। फिल्म इंद्रसभा, ये फिल्म 30 के दशक में रिलीज हुई थी, यानी कि करीब आज से 9 दशक पहले। फिल्म को रिलीज हुए 91 दशक पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस फिल्म का रिकॉर्ड आज तक कोई ब्रेक नहीं कर पाया है। ये फिल्म 1932 में रिलीज हुई थी। इंद्रसभा एक ऐसी इकलौती फिल्म है जिसमें गाने सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा गानों की भरमार इसी फिल्म में है। इस फिल्म के निर्माता जे मदान थी। बता दें कि इसमें पूरे 71 गाने हैं, जिसमें से कई ठुमकी, 31 गज़ल हैं, 13 अलग अलग गाने, होली के सॉन्ग, छंद और चौबाला, बाकी बचे 5 सामान्य गाने हैं। इतने सारे अलग अलग गानों के बाद ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा उस समय पॉपुलर रही थी। इस फिल्म में जहानारा और मिस्टर निसार लीड रोल में थे। उस वक्त ये सितारे काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे। यहाँ तक कि जहानारा एक्टिंग करने के साथ साथ बेहतरीन सिंगर भी थी। बहुत ही कम लोगों को पता है कि इंद्रसभा पहली साउंड वाली फिल्म थी, जबकि आलम आरा पहली बोलती फिल्म थी। इंद्रसभा फिल्म के बाद फिल्मों में ट्रेंड बदला और फिर गानों की भरमार होती गई, लेकिन अब फिल्मों में महज गिने चुने गाने ही नजर आते हैं। लोग अब बैक टू बैक गाने वाली फिल्मों को ज़्यादा पसंद नहीं किया करते। लेकिन एक ऐसा दौर था जब फिल्मों में गाने ज़्यादा और फिल्म की अदाकारी कम हुआ करती थी। ये जो फिल्म है इसके सवाल भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आते हैं। बता दें कि इंद्रसभा पहली फिल्म थी जिसमें साउंड का इस्तेमाल किया गया था। आलम आरा भले ही पहली बोलती फिल्म हो, लेकिन साउंड के मामले में पहली फिल्म इंद्रसभा थी, जो कि आज भी पॉपुलर है। लोग चौंक जाते हैं ये सुनने के बाद कि इस फिल्म में एक के बाद एक 71 गाने थे। 2 घंटों की फिल्म में 71 गाने, कल्पना कीजिए कि फिल्म कितनी बेहतरीन उस वक्त बनी होगी और क्या होंगे उस गाने के बोल। वैसे ये जानकारी सुनकर के आप भी हैरान हो गए होंगे, एक फिल्म में जिसमें 71 गाने। अब सोचने के लिए आप भी मजबूर होंगे कि ये फिल्म आखिर कैसी रही होगी, 2.5 घंटे की फिल्म जिसमें 71 गाने गाए गए हैं, और अगर वो 71 गाने में फिल्म बनाई जा रही है तो आखिर फिल्म में किस किस ने अभिनय किया होगा, कैसा अभिनय होगा, कहानी कैसी होगी और कैसे किरदारों ने उस 71 गानों को फिल्माया होगा। फिलहाल ये फिल्में मुश्किल से ही चर्चा में आती हैं, लेकिन जब आती हैं तो उन बॉलीवुड के सुनहरे पलों को फिर से याद किया जाता है जिस पल में एक नई शुरुआत हो रही थी। फिल्म जगत की नई शुरुआत, संगीतकारों की नई शुरुआत, संगीत की नई शुरुआत और मनोरंजन की नई शुरुआत। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।